हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के बज रहे गाइस 8:30 और मैं यहाँ पे आज नाश्ते में चाउमीन बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ सब बीन्स और गाजर प्याज को अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ और इसमें कच्चा मिर्चा डाली हूँ। अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ मैं चाउमीन पहले से ही बॉयल करके रख दी थी और छन्नी में छान के रखी हूँ उसको। और यहाँ पर सब्ज़ी अच्छे से जब भुन जाएगा तब इसमें मैं चाउमीन को ऐड कर दूँगी। और गाजर बहुत ज़्यादा हो गया था, बीन्स थोड़ा सा ही था तो जितना था मैं सबको काट के डाल दी हूँ। और ऐसे तो मैं आलू और प्याज के चाउमीन ज़्यादा करके बनाती हूँ पर आज सब्ज़ी वगैरह था तो मैं बना दी हूँ। और यहाँ पे मैं चाय को गर्म कर ले रही हूँ और मिष्टी के पापा को चाय दे दूँगी। मम्मी के लिए बनाई थी सुबह तो मम्मी पी ली है और अभी मिष्टी के पापा को दे दूँगी। और दूध का चाय भी नहीं बनाई, देर से बनाऊँगी। अभी पहले एक बार हम लोग ब्लैक टी पी लेते हैं उसके बाद दूध का चाय बनाते हैं गाइस। और यहाँ पे देखिए अच्छे से हो गया था मसाला, तो उसके बाद मैं इसमें चाउमीन ऐड कर दे रही हूँ। और चाउमीन को अच्छे से 5 मिनट पकाऊँगी, उसके बाद गैस को ऑफ कर दूँगी। और यहाँ देखिए मैं लंच का तैयारी करके रखी हूँ, तो लंच में आज मैं चिकन बना रही हूँ। तो चिकन का यहाँ सब मसाला निकाल के रखी हूँ, मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, प्याज काट ली हूँ, धनिया पत्ता धो के रखी हूँ और चिकन भी धो दी हूँ, आलू काट ली हूँ और इसमें गर्म मसाला निकाल के रख दी हूँ। और यहाँ पे मैं कढ़ाई को चढ़ा दी थी, जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया तो मैं उसमें ऑयल डाल दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे गोटा गरम मसाला है, इलायची, दालचीनी, लौंग है और गोटा जीरा और 2 सूखा मिर्च, सब डाल के 1 मिनट भून के अच्छे से। उसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी और प्याज को अच्छे से 2 मिनट पकाऊँगी। उसके बाद मैं जो चिकन धो के रखी थी उसको एक एक करके डाल के और अच्छे से इसको थोड़ा देर फ्राई करके फिर उसमें मैं आलू काट कर रखी थी उसको भी ऐड कर दी हूँ। और उसके बाद इसको मैं अभी 10 से 15 मिनट अच्छे से भून लूँगी और जब ये थोड़ा सा अच्छे से हल्का सा कलर आ जाएगा ब्राउन तब मैं इसमें मसाले सब ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं अदरक लहसुन और सूखा मिर्च और इसमें गोटा जीरा सब पीस के रखी थी तो उसको ऐड कर दे रही हूँ। डाल के अच्छे से 5 मिनट भून लूँगी। उसके बाद मैं जो गुड़ा गरम मसाला मसाला पाउडर सब निकाल के रखी थी वो सबको ऐड कर दूँगी। उसमें नमक डाल दी हूँ स्वाद अनुसार। उसके बाद इसको मैं अभी 10 से 15 मिनट अच्छे से भून लूँगी क्योंकि चिकन थोड़ा सा गला हुआ नहीं होने से अच्छा नहीं लगता और हमारे घर में मिष्टी और मिष्टी के पापा को चिकन गला पसंद है। तो यहाँ पे चिकन अच्छे से भून गया था। उसके बाद मैं इसमें कुकर में डाल करके इसको 3 सीटी लगा दी हूँ। 3 सीटी में ये अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ देखिए सीटी भी लग गया है, चिकन भी रेडी हो गया। यहाँ मैं राइस चढ़ा दी थी। देखिएगा इस चिकन कैसा बना ज़रूर बताइएगा। और मैं रेसिपी आप लोग के संग पहले भी चिकन का शेयर की हूँ पर आज मैं बना रही तो आप लोग के संग फिर से एक बार शेयर कर दी हूँ। यहाँ राइस बन गया था और यहाँ उसके बाद हम लोग खाना वगैरह खा करके सो गए थे। तो ये शाम का वीडियो है, शाम को उठने के बाद मैं चाय बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ब्लैक टी बनाई हूँ, शाम को भी मैं ब्लैक टी बनाती हूँ एक बार। तो हम लोग अभी सब चाय पी लेंगे, उसके बाद मुझे डिनर बनाना है। तो डिनर में क्या बनाएंगे गाइस, तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ पहले मैं सबको चाय दे दूँगी। यहाँ मिष्टी अपना होमवर्क कर रही, मिष्टी सो रही थी, काफ़ी लेट हो गया था उठने में तो उठ के ही अपना होमवर्क ले के बैठी है क्योंकि बहुत सारा होमवर्क था क्योंकि अभी मिष्टी का एग्ज़ाम है 2 दिन बाद तो पढ़ाई ज़रूरी है करना। वो अपना होमवर्क करे तब तक मैं अपना चाय कम्प्लीट कर लूँगी। और शाम के चाय के संग मैं ऐसे ही बस चाय पी लेती हूँ, बिस्किट वगैरह नहीं खाती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा देर में हम लोग नाश्ता करेंगे और यहाँ हमें अभी रात का डिनर का तैयारी। तो अभी रात के खाने में मैं बना रही हूँ पटल और आलू की सूखी भाजी बनाऊँगी क्योंकि सुबह मसाले वाली सब्ज़ी बनाई थी। तो यहाँ मैं पटल और आलू को छील के अच्छे से काट ली हूँ। यहाँ 2-3 प्याज भी छील ली हूँ तो अभी मैं प्याज को काट ले रही हूँ। और आज बस पटल आलू का सब्ज़ी मतलब सूखी भाजी और रोटी बनाऊँगी। और यहाँ देखिए मैं प्याज और मिर्च सब डाल दी हूँ, अच्छे से भुन जाएगा आलू तो मैं डाल दूँगी। और आलू अच्छे से 5-10 मिनट भूनने के बाद में मैं जो पटल काट के रखी हूँ ऐड करूँगी बाद में। और यहाँ पे मैं 2-4 बर्तन है जो उसको धो लूँगी। और चाय हम लोग पिए थे तो उसका ही ग्लास और कप वगैरह था तो वो सब मैं धो के हटा दे रही हूँ, नहीं तो फिर अभी खाना बनाऊँगी तो फिर बहुत सारा बर्तन निकल जाता है धोने के लिए। तो यहाँ जितना बर्तन है मैं धो के रख दी हूँ। उसके बाद इसको आलू को एक बार अच्छे से चला ले रही हूँ और 10 मिनट भून गया था। उसके बाद मैं पटल को ऐड कर दे रही हूँ, 10 मिनट इसको और अच्छे से मैं भून लूँगी। उसके बाद मैं इसमें जो मसाला है सूखा मसाला सब वो ऐड करूँगी। और यहाँ पे प्याज और कच्चा मिर्चा को छोटे छोटे टुकड़े में काट ले रही हूँ और इसको मैं अभी रख दूँगी।
अभी थोड़ी देर बाद में मैं बनाऊंगी नाश्ता। अभी पहले सब्ज़ी, अच्छे से सब्जी को पहले मैं इसको भून लूंगी, उसके बाद में नाश्ता भी थोड़ी देर बाद ही करूंगी, क्योंकि अभी मिस्टी अभी अपना होमवर्क कर रही थी। तो यहाँ देखिए प्याज और मिर्चा काटना हो गया था, तो यहाँ पे मैं आटा को छान के निकाल ली थी एक बर्तन में, उसके बाद यहाँ पे आटा लगा के रख दूंगी। आटा मैं पहले एक डेढ़ घंटा पहले लगा देती हूँ, ऐसे अच्छा से रोटी बनता है। और मैं आटा जब भी लगाती हूँ तब मैं उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड करती हूँ, जिससे रोटी बहुत सॉफ्ट बनता है और बहुत अच्छा भी बनता है। तो यहाँ आटा लगाना हो गया था, तो मैं उसको एक डब्बे में बंद करके रख दी थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद रोटी बनाना है। तो यहाँ देखिए आलू और पटल अच्छे से भुन गया था, तो मैं उसमें नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हल्का जीरा पाउडर और हल्का लाल मिर्च पाउडर डाल के इसको अच्छे से मैं चला, और यहाँ सब्ज़ी बस थोड़ा सा और पकेगा, उसके बाद मैं इसको गैस को ऑफ़ कर दूंगी। यहाँ देखिए मैं नाश्ते में झाल मूढ़ी बना रही, तो यहाँ पे एक बर्तन में मूढ़ी और यहाँ पे झूरी भाजा सब निकाल ली, इसमें प्याज और मिर्च डाल दे रही हूँ। फिर उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा अचार वाला जो सरसों तेल होता है, मतलब अचार में मैं डाल के रखी थी सरसों तेल, वही वाला थोड़ा सा तेल डाली, जिससे बहुत टेस्टी लगता है झाल मूढ़ी खाने में। और यहाँ मैं नमक ऐड कर दे रही हूँ, और यहाँ पे मैं सब्ज़ी भी चला दे रही हूँ, क्योंकि नीचे से सब्ज़ी लग रहा था। तो यहाँ बस और थोड़ा सा देर करके बंद कर दूँगा गैस को। और यहाँ देखिए मैं झाल मूढ़ी को अच्छे से मिला ले रही हूँ, और बहुत अच्छा लगता है झाल मूढ़ी खाने में। और हम लोग घर का ही झाल मूढ़ी बनाया हुआ खाते हैं, और मिष्टी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज बस हल्का फुल्का ही सब्ज़ी बनाई, क्योंकि उसमें बहुत मसालेदार सब्ज़ी बन गया था, तो आज ज़्यादा उनको खाना बनाने का उतना नहीं था, बस एक सब्ज़ी और रोटी। तो यहाँ पे हम लोग पहले नाश्ता कर लेंगे, तो अभी मैं सबके लिए एक बाटी में निकाल दूँगी झाल मूढ़ी। तो देखिए कैसा बना, आइएगा गाइस आप लोग भी खा लीजिए झाल मूढ़ी, और बहुत अच्छा बना था। तो यहाँ मैं सबके लिए, मम्मी के लिए और मिष्टी के लिए, और मिष्टी के पापा के लिए निकाल दे रही हूँ।